सो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डेली व्लॉग्स का पहला दिन। तो जी हाँ गाइस, अभी एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पोल रखा था, तो उसमें से 80-90% लोग ने कहा है कि डेली व्लॉग्स चाहिए उनको। तो अब देखो, आप लोगों का ही चैनल है तो आप लोग जैसा बोलोगे आप वही चीज़ होगा इस चैनल पर। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है आज से डेली व्लॉग्स। और आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिनों के लिए ऐसे गायब हो गया था यूट्यूब से, क्योंकि कुछ पर्सनल कामों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने व्लॉग नहीं शूट किया है। अभी आप लोग देखते रहो, आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली व्लॉग्स का पहला दिन, और आज हम लोग करने वाले हैं, तो आज के कुछ टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अभी गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग को डेकोरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट से हम लोग को काफ़ी सामान लेने का है डेकोरेशन के। तो मैं, कुलदीप और यश जा रहे हैं आज डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। तो आज हम लोग अभी निकलते हैं, और आज का जो व्लॉग है हम लोग कुछ अलग स्टाइल में हम लोग बनाएंगे। मैं वॉइस ओवर करूँगा, तो अभी आप लोग सुनिए मेरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। तो भैया जी, एक घंटे कड़ी धूप में बस का इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी बस आ चुकी थी, और फिर बस में धक्के खाने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे अंधेरी स्टेशन। अब अंधेरी स्टेशन में मैं और यश कुछ गप्पे लड़ाते चल गए थे टिकट लेने के लिए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखे, सपने वो है जो हमें सोने ना दे। और ये कुलदीप ने टिकट लेके आ गया है। सो टिकट मिलते ही मालूम पड़ गया कि हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। तो बस फिर मैं भागता चला गया एकदम ट्रेन पकड़ने के लिए। और हाँ, बाल बनाना भी ज़रूरी है। हाँ, और ये फाइनली थोड़ा सा, अरे अंकल हटो ना थोड़ा सा। और ये चढ़ गया मैं ट्रेन में। ये ट्रेन में चढ़ते ही मेरा पहला ख्याल आया कि थोड़ा सा बैठ जाते क्योंकि लंबा सफ़र है। मगर ट्रेन में चढ़ते ही हमको कुछ ये नज़ारा देखने को मिला। अब ये नज़ारा देखने के बाद हमने कहा छोड़ो वटाओ यार, खड़े ही रह लेते। और फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली मुझे सीट मिल चुकी थी, मगर मैं अभी भी खुश नहीं था क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी। और ये देखो सामने चाचा जी को मस्त मेरी विंडो सीट पे बैठे हुए। मगर अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो वटाओ, मैं तो चला सोने। अब भैया जी, जैसे ही मुझे नींद लगी ही थी वैसे ही पीछे से एक आवाज़ ने आके मुझे उठा दिया। और तो भैया जी, नींद खुलते ही हमने देखा कि चचा वाली सीट कुलदीप ने ले ली है। तो भैया, हमने इशारा करके कहा कि भाई सीट दे दे, लेकिन उसने कहा नहीं, साढ़े रुक देखो मैं बताता हूँ, उतरने दे मेरे को। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग चंडीगढ़ स्टेशन आने वाले हैं, और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ऐसे में ब्लॉग कर रहा हूँ, काफ़ी अलग सा महसूस हो रहा है, मगर काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो अभी आज का हम लोग का टास्क ये है कि अभी हम लोग को पहले तो जाने का गणपति का डेकोरेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको पता ही गणपति अब आने वाले हैं। उधर का पूरा डेकोरेशन का सामान आज लेने का, वो पूरा नहीं मतलब कुछ कुछ सामान अभी लेंगे। और मेरे को कुर्ता लेना है क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो वही सब जा रहा हूँ अभी करने के लिए। और अभी चलते, आ चुका है मेरा स्टेशन और अभी बस उतरते हैं। हाँ, तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं चर्च गेट, और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट से जाके अभी हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, मगर अभी यश और मैं कुलदीप चलते जा रहे हैं। और काफ़ी गर्मी है यार, इतनी गर्मी कैसे, थक गया मैं इतने आधे रास्ते में। अभी तो हम लोग को और लंबा जाने का, अभी यहाँ से हम लोग लालबाग भी जाने का, तो लालबाग जाएंगे फिर बांद्रा फिर दादर, नहीं पहले लालबाग फिर दादर फिर बांद्रा, ठीक है। तो चलते हैं, और भाई बहुत गर्मी लग रही है, मैं थक गया हूँ अभी से। फिर ले एसी चलाते हैं। तो भाई अभी थोड़े टाइम के लिए तो बस उन्होंने ब्रेक लिया है, काफ़ी लंबा चल रहे थे हम लोग, तो अभी चाय पी रहा हूँ मैं। और ये फ़ोटो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे नहीं होने वाली है, इनको पता है, फिर भी नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। और अभी क्रॉफर्ड मार्केट अभी भी 15 मिनट दूर है, और अभी वहाँ जाके हम लोग को बहुत सारी सामान लेने का, तो मैं आके दिखाता हूँ आपको अभी, और पहले अभी चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अभी मेरे को डेली व्लॉग स्टार्ट करने चाहिए कि नहीं, मगर फिर फाइनली आज हम लोगों ने डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी टफ लग रहा है मेरे को इस बार ये चैलेंज, पिछले बार तो छुट्टी था इसीलिए हमने कर दिया, मगर इस बार प्लस 12th का बोर्ड भी है और पढ़ाई इस बार ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है, मगर कोई बात नहीं, चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है मेरे को।
तो फिर अभी हम लोग ऑफ टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चला गया हूँ, अभी आज के ब्लॉग में आ जाते हैं। तो हम लोग आ चुके क्रॉफर्ड मार्केट और अभी हम लोग शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे बार्गेनिंग किंग, ये ऐसा बार्गेनिंग करते हैं कि हम लोग 1000 चीज़ 1000 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने पहला चीज़ तो खरीद लिया है और ये है वो अपने को आर्टिफिशियल लीव्स चाहिए थे वो मिल गया है और अभी इसको बैग में डाल दो। और अभी अपने को और भी चीज़ लेने का यहाँ से, और ये तो पूरा खजाना ही खजाना है पूरा, एकदम मज़ा आ गया इधर घूम के। तो अब अगली बार से हम इधर ही आएंगे फिर से। ये तो मस्त चीज़ है रे, एक्सटेंड भी हो रहा है साला, बहुत बड़ा हो रहा है। रुक इसको लेते हैं, यह चीज़ को ले रहा हूँ हमें, रुक बात करते हैं इसे। भाई कितने दिया तुमने? 200 रुपया। अरे 200 बहुत ज्यादा बोल रहे भाई, 150 रुपये में दो ना। नहीं नहीं 200 ही होएगा। अरे 150 रुपये में दे दो यार भाई मेरे। नहीं 200 से 1 रुपया काम नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग 150 रुपये का लेके आ रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। 200 रुपये बोल रहे हैं यार ये। हां ले ले। हां ठीक है दे दो। गाइस अभी हम लोग ये इसका ये पूरा सेट जो इसमें 12 पीस है और एक ये ले रहे हैं पूरा। ये पूरा अभी छोटा दिख रहा है मगर ये एक्सटेंड होता है पूरा, तो एक ये ले रहे हैं और ये। और अभी अगले हफ्ते आऊँगा फिर से तो और भी लेके जाऊँगा, मगर अभी डेकोरेशन के लिए देखते कि ये कितना बढ़ता है और काफ़ी अच्छा है। तो ये दो ले लिए, अभी और लाइट्स लेने। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो गाइस क्रॉफर्ड मार्केट का काम हो चुका है, ये देखो हम लोगों ने ले चुका है और अभी थोड़ा सा भूख लग गई है तो कुछ खाएंगे और घर पे जाते हैं। अभी नहीं, घर पे नहीं आएंगे अभी, अंधेरी जाके वहाँ भी एक काम है, वो करने के बाद हम लोग का आज का ये वाला काम संपन्न हो जाएगा। तो फाइनली एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हम लोग के सर पे से कम हो गया और अभी आगे देखते हैं। गाइस आज हम लोग काफ़ी खुश है क्योंकि हम लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा ही हम लोग सामान लेके जा रहे हैं। और अभी जाते जाते 10 रुपये वाली मूँगफली जिंदाबाद, इसे जल्दी कर। और ये सर ब्लॉक कर देना, कर देना जब कैमरा में देखते हैं ना तो नीचे दिखता नहीं है कुछ। भाई कहाँ आ गए हम लोग? गाइस ये हम लोग किधर आ गए? कोई है नहीं इधर। अच्छा है, 2-3 लोग हैं। ये तो काफ़ी हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है गाइस। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम लोग पता नहीं कौन से स्टेशन के यहाँ जा रहे हैं, चरनी रोड जा रहे हैं और वहाँ से अभी प्लान चेंज हो गया। घर पे जाने से पहले हम लोग कुर्ता भी ले लेंगे एक बार। तो यहाँ एक मस्त गाड़ी वाला सीन है तो यहाँ के मैं टाइम लैप्स लेता हूँ पहले। अभी इसने बोला था हम लोग को यहाँ लेके आएगा और बोला था कि यहाँ नीचे स्टेशन है, मगर यहाँ स्टेशन नहीं है। स्टेशन किधर है? इसने बोला कि स्टेशन इधर ही है, नीचे ही है। तो देख भाई कहाँ है स्टेशन, ट्रेन की तरफ फेंक दूंगा मैं। कहाँ है स्टेशन? किधर है स्टेशन? किधर है? गाइस इतनी खोज करने के बाद फाइनली मैंने स्टेशन ढूंढ लिया है। गाइस वहाँ देखो, उस साइड है वो ब्लू वाला। तो उसके बाद शूट करते करते तो हो गया मेरे आईफोन का बैटरी डेड। हाँ पता है मैं iOS यूज़र हूँ। फिर उसके बाद तो मैंने सीधा रात को अपना फ़ोन चार्ज किया क्योंकि काम बहुत था। और उसके बाद मैं एक कोई कमेंट में पतला नहीं लिख गया मेरे को। तो उसके बाद हमने रात भर काम किया, दिन भर भी काम किया और शाम तक आ गई बारिश। अब भैया बारिश में तो काम हो नहीं सकता था, इसीलिए मेरा फेस कुछ ऐसा था ना भाई, अब तो ना हो पाएगा मुझसे। और इसी के साथ आज की कहानी का होता है अंत। अगली कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आप अगली कहानी के लिए तैयार रह सके। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है बस अब मैं ये कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये स्टोरी टेलिंग टाइप व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये दो आवाज़ में बात करना काफ़ी अजीब होता है, मगर ठीक है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो बस अभी मिलते हैं हम कल वाले डेली व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। तो गाइस मैं एक्चुअली काफी दिनों से टर्न लेफ्ट टू स्टे ऑन बैरक रोड।
गाइस मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मतलब डेली व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, और फिर मैंने पब्लिक से पूछा। हाँ तो गाइस सब लोगों ने, मैंने पब्लिक से पूछा।